लंबुआ सीट पर बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाहर से लाकर उम्मीदवार उतारा, फिर भी उम्मीद पस्त होती नजर आ रही है। पहले कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और अब अनुप्रिया पटेल की सभा होने से पहले ही खत्म हो गई। ऐसे में लंबुआ में पार्टी की लाज कैसे बचेगी? लंबुआ में लाज की लड़ाई, बीजेपी को बचा पाएंगे देव? अपनों के विरोध से कैसे पाएंगे पार? उम्मीदवार बदलने पर पार्टी में तकरार। सुल्तानपुर में एक बार फिर बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। एक तरफ बाहरियों का विरोध तो दूसरी तरफ अंदर की गुटबाजी। पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। लंबुआ में सबसे बड़ा झटका तब लगा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जनसभा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बीजेपी उम्मीदवार देवमणि दुबे के लिए वोट मांगने आ रही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का उड़न खटोला हेलीपैड की तकनीकी खामियों के चलते हवा से हवा में ही वापस लौट गया और यहां बीजेपी की पहली जनसभा अधर में लटक गई। लोकप्रियता से जिसको भी क्षोभ होगा, भाजपा के बढ़ते हुए ग्राफ से जिसको भी तकलीफ होगा, वह सब इसमें शामिल हो सकता, कंप्लेन किया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसका क्लियरेंस दिया था, एनओसी दिया था कि यहाँ पर एक हेलीपैड या सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर जहाज उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, तो फिर क्यों नहीं उतरने की स्थिति पैदा हुई। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट पर भाजपा ने चंद महीने पहले रेलवे विभाग की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में कूदे देवमणि दुबे को टिकट थमा दिया। टिकट मिलने के बाद देवमणि जब अपने चुनावी इलाके में पहुंचे, तो उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान देवमणि दुबे की दो गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की सभा नहीं हो पाई, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हंगामा काटा। देवमणि दुबे इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। हेलीपैड पर आपका हेलीकॉप्टर या जहाज, यह तकनीकी लोग जानते हैं, चाहे ये पीडब्ल्यूडी के लोग जो इसको बनाए हैं, मुझे यह उनका कारसाजी लगती है कि इसको इस तरह से बनाए कि इसमें उतर न पाए। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी की प्रत्याशी के नेतृत्व की जो आभा होती है, उसके आगे विपक्षी लोग अपने को जब कमजोर पाते हैं, हताश पाते हैं, तो इस तरह की हरकतों का सहारा लेते हैं। उधर लंबुआ विधानसभा से सपा ने एक बार फिर अपने विधायक संतोष पांडे पर भरोसा जताया है, तो बसपा ने पूर्व मंत्री विनोद सिंह को उतारा है। दो मजबूत दावेदारों के बीच बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है। देखना है बीजेपी इस परेशानी से कैसे पार पाती है। सुल्तानपुर से समाचार प्लस के लिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।